हेलो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी आने वाली है, इसलिए आज हम बनाएंगे गणेश जी का प्रिय मोदक, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी सूजी, मैंने महीन सूजी ली है, एक कटोरी गोलाकस, ये आसानी से बाजार में मिल जाता है, थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, थोड़ा सा केसर दूध में भीगा हुआ, एक कटोरी दूध, एक कटोरी मिल्कमेड, 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी, मैंने इसमें इलायची भी पीस ली है, 2 से 3 चम्मच देसी घी। अब हम गैस पर फ्राई पैन रखेंगे, फ्राई पैन को गर्म होने दें, घी डालें, सूजी मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए भूने, हमको सूजी को हल्का ही भूनना है, सूजी का कलर नहीं चेंज होने देना। हमारी सूजी भून चुकी है, अब हम उसमें नारियल डालेंगे, उसको भी लगातार चलाते हुए भूने, बस 1 मिनट के लिए। मिल्कमेड डालें, सबको एक साथ चला लें, केसर डालें, उसको भी एक साथ चला लें। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और लगातार चलाते रहें। दूध हमें आवश्यकता अनुसार डालना है, जितने में आपकी सूजी अच्छे से फूल जाए, और लगातार चलाते रहें। देखिए हमारी अच्छे से सूजी इसमें फूल चुकी है और हमारा मिक्सर बनकर तैयार हो चुका है। उसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम फ्राई पैन में ड्राई फ्रूट डालेंगे, उनको भी लगातार चलाते हुए गुलाबी होने तक भूनना है। हमारे ड्राई फ्रूट भी भुन चुके हैं, उनको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट में पिसी हुई चीनी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है, चलिए अब हम मोदक बनाते हैं। हम हाथ में घी लगाएंगे और मिक्सचर को अच्छे से गूंथ लेंगे। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम मोदक का सांचा लेंगे, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आसानी से बाजार में मिल जाता है। थोड़ा सा नारियल लेकर सांचे के दोनों तरफ डालें। अब थोड़ा सा हाथ में मिक्सचर लें, सांचे के एक साइड को भरें, फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर दूसरी साइड को भरें और सांचे को बंद कर दें। उंगली से बीच में जगह बना लें, देखिए मैं आपको दिखा रही हूं इस तरह से। आधी चम्मच ड्राई फ्रूट लें, बीच में भरकर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर उसको बंद कर दें और अच्छे से दबा दें। अब हम सांचे को खोलेंगे, देखिए हमारा मोदक बनकर तैयार है, ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम अपने सारे मोदक तैयार कर लेंगे। हमारे मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं, चलिए उनको एक प्लेट में सर्व करते हैं। एक एक करके मोदक लगाएं, मोदक का गणपति जी को भोग लगाएं और प्रसाद का आनंद लें। ये मोदक देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट बने हैं। मेरी मोदक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।